Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you are all fine. This is Muhammad Numan and you are watching Bright Info. आप सबको Bright Info में बहुत बहुत खुश आमदीद. Viewers, आज एक और वीडियो यानी 4 दिसंबर यानी कि आज रावलपिंडी सेंटर में होने वाले सवाल, कुछ सवाल उन सेंटर में आए थे वो आपके लिए लेकर आए हैं और उनके साथ जवाब. इंतहाई अहम वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा. ये हमारे चैनल के मेम्बर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो इस टाइम बना रहे हैं, शायद उसका पेपर हो जल्दी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सोचा कि उसको इसके आंसर दे दिए ताकि उसका भला हो जाए. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल थे जो कि आज रावलपिंडी सेंटर के अंदर आए हुए थे. तो पहला सवाल हम चेक करते हैं. तो क्वेश्चंस जैसा कि आपका अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनसे पहले कि आपसे जो लोग अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस हैं जो आप तक आसानी पहुंच सकें. उसके अलावा अगर वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमें कमेंट्स की शक्ल में लाजमी दीजिएगा. तो पहला क्वेश्चन आया था, फ्लिंट माउंटेन इज़ इन विच कंट्री. फ्लिंट माउंटेन इज़ इन विच कंट्री, तो फ्लिंट माउंटेन है वो कौन से मुल्क के अंदर वाक़ है? तो वह है जी नॉर्थ वेल्स में. नॉर्थ वेल्स में वाक़ है फ्लिंट माउंटेन. क्वेश्चन नंबर टू था, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर अब्दुल रशीद. सर अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. नंबर थ्री पे था, प्रिज्म हैज़ हाउ मैनी फेसेस. अब प्रिज्म हैज़ हाउ मैनी फेसेस, एक प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं? तो एक प्रिज्म के 6 फेसेस होते हैं, 4 उसके मीन प्लेन होते हैं, तो टोटल उसके 6 फेसेस होते हैं. नेक्स्ट है नंबर 4 पे, नारोवाल इज़ इन विच डिवीजन. नारोवाल इज़ इन विच डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, नारोवाल कौन से डिवीजन के अंदर वाक़ है? तो नारोवाल गुजरांवाला डिवीजन के अंदर आता है. नारोवाल है जो गुजरांवाला डिवीजन के अंदर आता है. नेक्स्ट, खैबर पास कनेक्ट्स विच टू सिटीज़. खैबर पास कनेक्ट्स विच टू सिटीज़, तो खैबर पास कनेक्ट्स लंडी कोटल टू पिशावर. लंडी कोटल टाउन और पिशावर वैली को कनेक्ट करवाता है खैबर पास. खैबर पास कनेक्ट करवाता है लंडी कोटल टाउन और पिशावर वैली को. नेक्स्ट है, टोची पास कनेक्ट विच टू सिटीज़. टोची पास कनेक्ट विच टू सिटीज़, टोची पास कौन सी दो शहरों को कनेक्ट करवाता है? तो टोची पास है ना जो वो कनेक्ट करवाता है गजा विद बनो, गजनी, गजनी विद बनो, गजनी को बन्नू के साथ कनेक्ट करवाता है टोची पास. नेक्स्ट है, विच गेम हैज़ डायमंड लाइक स्टेडियम. वो कौन सी गेम है जिसका स्टेडियम हीरे की शक्ल का होता है, डायमंड लाइक स्टेडियम होता है जिसकी शक्ल हीरे जैसी होती है, इसकी शेप उस जैसी होती है. तो बेसबॉल की गेम है जिसको डायमंड लाइक स्टेडियम जिसका होता है, जिसका होता है डायमंड लाइक स्टेडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% ऑफ 90, जैसा कि बहुत दफ़ा आपको पहले बता चुका है, 90% ऑफ 90 81 के कुल होता है. और ये हर सेंटर के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखने के लिए सुनने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसको वैसे समझते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर आपका ये लाजमी हो जाएगा. नेक्स्ट है, फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन कौन सी थी? पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन थी ओरिएंट एयरवेज. ओरिएंट एयरवेज वॉज द फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट नंबर 10 पे, इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मंथ देन 13 डे ऑफ द मंथ इस सैटरडे. अगर मंडे पहला दिन है ना महीने का, तो 15वां दिन होगा नेक्स्ट मंडे. अगर पहला दिन महीने का मंडे है तो नेक्स्ट मंडे होगा 15वां दिन. तो 13 डे हमने पूछा है, तो उससे हम निकाल लेंगे कि सैटरडे 13वां दिन सैटरडे होगा, 14वां संडे और देन 15वां मंडे बनेगा. इसलिए अगर मंडे पहला दिन हो महीने का तो 13वां दिन होगा सैटरडे. नेक्स्ट है, इफ़ ट्यूजडे इज़ द 4th डे ऑफ द मंथ देन 33rd डे विल बी. अगर ट्यूसडे महीने का चौथा दिन है तो पहला दिन सैटरडे हुआ, तो 22वां दिन नेक्स्ट सैटरडे होगा. तो सैटरडे का 22वां, पहला सैटरडे और 22वां सैटरडे, तो 23वां दिन एब्सोल्युटली संडे का होगा. नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पीड के क्वेश्चंस को सुनने का हुआ था, स्पीड के क्वेश्चन है. तो स्पीड का आपको मैंने फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ कितनी दफ़ा, स्पीड के फार्मूला के ऊपर लेक्चर भी हुए थे, लेकिन आज फिर आपके लिए लिखा है तो फिर बता देता हूँ जिनको नहीं पता. तो स्पीड के क्वेश्चन है ना जो, वो हमने इस फार्मूला के तहत सॉल्व करने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम,
ये फॉर्मूला, अगर हमें स्पीड दी होगी, डिस्टेंस दिया होगा, टाइम ब्लॉम किया होगा, तो हमने इस तरह ब्लॉम करना है, डिस्टेंस है ना उधर जाकर डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा स्पीड, टाइम इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिस्टेंस इस साइड पे, स्पीड इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगी डिस्टेंस के साथ। अगर हमें डिस्टेंस और टाइम दिया, अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो भी हमारा इजीली स्पीड फाइंड आउट हो सकेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रावलपिंडी सेंटर्स के थे, इसलिए इस वक्त इसकी वीडियो बनानी पड़ रही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिएगा, और उसके अलावा फिर से उन लोगों को जो कि नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं जो वो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।